पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया, उनकी इज्जत करें हम। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओ के लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन टकलोन सब बोलते हैं, अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार सीरी सीरी लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारत, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना रहे, आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। सबकी अलग अलग विचार हैं, बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा। हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं, इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़ दीजिए, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखाते, मौत को भी जीने का अंदाज सिखा। नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम बातों को, तमाम जानकारियों को बेहद ही सहज और बिहारी अंदाज में समझाने वाले खान सर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मिलियन में फॉलोअर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर जिस तरीके से छात्र सराहना कर रहे थे, ये बात शायद अच्छे से लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तभी एक वीडियो जिसमें खान सर ने पाकिस्तानी बातों का जिक्र किया, उसे लेकर कंट्रोवर्सी सामने आ गई। इतना ही नहीं, खान सर के धर्म पर, खान सर के नाम पर आवाज़ उठने लगी, कई सारे सवाल उनसे किए जाने लगे। और इसी कड़ी में अब खान सर ने अपना वीडियो साझा करते हुए तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने इमोशनल होते होते ये तक कह दिया कि मैं अब यूट्यूब चैनल शायद छोड़ दूंगा। लेकिन इन सब के बीच खान सर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पूरी भावना के साथ कहा कि मुझे ये ठेस पहुंची है जिस तरीके से मेरे नाम को लेकर अमर्यादित बातों का प्रयोग किया गया, कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही गई, मुझे नहीं पता इस तरह की चर्चा आखिर क्यों आ गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ चैनल अपने आप को आगे लाने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं। कई सारी पूरे 23 मिनट की वीडियो में खान सर ने हर बात को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया है, और जिस वाक्य को लेकर खान सर को ट्रोल किया जा रहा था कि आखिर वो अमित सिंह है, हिंदू है, मुसलमान है, खान सर उनका टाइटल क्यों है, तो इस तमाम बातों का स्पष्टीकरण खान सर ने इस पूरे वीडियो में दिया है। हालांकि ये वीडियो अभी हम आपसे साझा करेंगे खान सर के चैनल से ही, जब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार खान सर लगभग रोते रोते उन्होंने अपनी बात कह दी है कि मैं शायद आने वाले वक्त में YouTube छोड़ दूं। आप लोगों का इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार से पीछे हट जाना शायद मुझे खटकेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कुछ कह रहे हैं खान सर, किस प्रकार अपने 23 मिनट के वीडियो में आखिरी में खान सर पूरे इमोशनल हो जाते हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनके पूरे वीडियो के साथ। जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया, उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर, हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से पीओ के पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओ के लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन टकलोन सब बोलते हैं, अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार सीरी सीरी लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको। यहाँ पे बस हमारा लौटा दे, हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते, बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिए, आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है, क्या क्या दिन आ गया। ये हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी
यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी होगी। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए, आप ज़रूर बताइए। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है, कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं, हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम YouTube पर थोड़ा सा बड़ मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करें, इससे पहले कि बात होती आप गैर हो गए, जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे, लेकिन हाँ तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो आखिरी हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।